हेलो स्टूडेंट्स इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द क्वेश्चन टू ऑफ वर्कशीट फोर आई होप यू हैव डन इट सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट फाइव ऑफ दिस यूनिट यूनिट टू दिस आर वर्ड प्रॉब्लम सम्स आपने सेकेंड क्लास में वर्ड प्रॉब्लम किए हैं सेम उसी वे में हमारा अब थर्ड क्लास में होगा सो फर्स्टली रीड दिस स्टेटमेंट देयर आर टू थाउजेंड बॉयज फर्स्ट हमें क्या दे दिया देखो नंबर ऑफ बॉयज दे दिए ना तो बॉयज कितने दे रखे हैं टू थाउजेंड तो फर्स्ट लाइन आपकी क्या हो जाएगी बॉयज़ टू थाउजेंड नेक्स्ट क्या दे रखा है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी गर्ल्स तो गर्ल्स हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी गर्ल्स कितनी दे रखी है गर्ल्स लिख के इज इक्व टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी now अब क्या find out करना है many students are there in all all ऑल का मतलब जहाँ पर all आ जाता है मतलब क्या करना होता है all का मतलब total और total का मतलब plus तो how many students पूछे इन ऑल यानी कि टोटल में कितने स्टूडेंट्स हैं तो थर्ड लाइन हमारी क्या आ जाएगी टोटल स्टूडेंट्स और टोटल का मीनिंग आपको पता है क्या होता है प्लस आपको वर्ड प्रॉब्लम सम्स में मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जब आप स्टेटमेंट्स लिखते हो तो ये ध्यान रखा करो कि इक्वल सबका हमारा सेम लाइन में होना चाहिए एंड जो आप नंबर लिख रहे हो वो uh, नंबर मतलब बिलो द नंबर होना चाहिए मतलब इधर उधर आपके डिजिट्स नहीं जानने चाहिए डिजिट्स बिलो द डिजिट्स होनी चाहिए अब टोटल था तो हमें क्या करना होगा एड सो यू कैन एड दिस दिस विल बी योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्कूल प्लांटेड 1999 ट्रीज इन वन ईयर एक साल में कितने ट्री प्लांट करता है मतलब एक स्कूल एक साल में इतने ट्री लगाता है तो ट्रीज प्लांटेड इन वन ईयर फर्स्ट लाइन क्या आ जाएगी ट्रीज प्लांटेड इन वन ईयर वैल्यू गिवन है ऐसे ही ट्रीज प्लांटेड इन द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में कितने प्लांट करता है लिख दिया आगे क्या पूछा है हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड इन टू ईयर मतलब उन्होंने दो साल में कितने ट्री प्लांट किए देखो फर्स्ट ईयर में इतने प्लांट किए मतलब लगाए सेकेंड ईयर में इतने ट्रीज लगाए तो उसने दो सालों में टू ईयरस में कितने मतलब प्लस करेंगे ना कि अगर हमने वन ईयर में टू प्लांट लगा दिए नेक्स्ट ईयर में हमने टू और लगा दिए तो टोटल हमने कितने लगा दिए फोर प्लस किया ना आपने तो यहाँ क्या निकालना है टोटल ट्रीज प्लांटेड मतलब कितने ट्रीज आपने लगाए हैं सो यू कैन ऐड दिस दिस विल बी योर आंसर एड दिसकेट मैन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी सिक्स वुमेन एंड थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड टू चिल्ड्रन इन अ टाउन कहता है so this. This okay? so men, women, town. एक टाउन में इतने मैन हैं इतने वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं तो जैसे जैसे वैल्यू गिवन है आप वैसे लिखोगे मैन कितने दे रखे हैं मैन की वैल्यू वुमेन कितने दे रखे हैं वुमेन की वैल्यू एंड चिल्ड्रन कितने दे रखे हैं चिल्ड्रन की वैल्यू लिख हो यहाँ पर मैन मैन के सामने मैन की वैल्यू वुमेन एंड देन चिल्ड्रन आप देख सकते हो देखो इक्वालिटी मैंने बिल्कुल सेम सिक्वेंस में लिखी है इधर उधर हमारी ये नहीं जाननी चाहिए अदरवाइज वो प्रॉब्लम करती है हमें ऐड या सब्टेक्ट करने में आगे क्या दिया व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन अब यहाँ पर तो क्लियरली आ गया ना कि क्या निकालना है टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल हमारी कितनी पॉपुलेशन है टाउन में तो आप टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हो यू कैन एड दिस वैल्यूज दिस विल बी योर आंसर ओके नेक्स्ट वन इन अ लाइब्रेरी देयर आर दिस टू इंग्लिश स्टोरी बुक्स इंग्लिश स्टोरी बुक्स दे दी हमें देन फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हिंदी स्टोरी बुक्स तो हिंदी स्टोरी बुक्स गिवन है हमें एंड वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फाइव कामिक्स इतनी कॉमिक्स दे दी तीनों की वैल्यू दे दी इंग्लिश स्टोरी बुक्स हिंदी स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक्स तो तीनों की वैल्यू आप इसके अंदर लिख दोगे इंग्लिश स्टोरी बुक्स हिंदी स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक्स तीनों की लिख दी आगे कहते हैं हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल ऑल का मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने टोटल ठीक है तो कुल मिलाकर मतलब कितनी बुक्स है तो मतलब टोटल बुक्स निकालनी है हमें तो so, क्या आ जाएगी हमारी नेक्स्ट लाइन टोटल बुक्स सो यू कैन एड दिस वन ऑल्सो सो दिस विल बी योर आंसर सो यू कैन डू दिस वर्ड प्रॉब्लम सम्स इन योर नोटबुक नाउ थैंक यू